क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये मैं सही बता रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैक्सिमम बच्चों से ये क्वेश्चन हिलेगा ही, समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे एक एक चीज और क्या कह रहा है वो समझेंगे। देखो क्या कह रहा है, द डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर। अब थ्री डिजिट नंबर क्या होता है सबको पता है कि 100 से ऊपर। अब देखो आपको बचपन में आपने पढ़ा होगा शायद आपको याद होगा कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है थ्री डिजिट की। स्टैंडर्ड लिख देता हूं, ये याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है 100A प्लस 10B प्लस C, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, याद रखना। आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा लेकिन ये बचपन में पढ़ा हुआ आपने, वही है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये थ्री डिजिट की, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, द डिजिट ऑफ अ नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर आर इन AP, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, देखो अब यहां पे डिजिट हमारे पास क्या हुई, ABC, यहां तक समझ में आया, डिजिट हमारी क्या हुई ABC, ये हमारी डिजिट है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि वो तीनों जो नंबर है वो एपी में है। तो एक चीज और याद रखना कि जब भी हमें थ्री डिजिट नंबर आर इन एपी, जब भी हमें तीन डिजिट नंबर का है कि एपी में है तो हमेशा ये मानना ए प्लस डी फर्स्ट, फिर ए और फिर कोमा ए माइनस डी, याद रखना। यहां पे ए क्या है, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, याद रखना ये। अब ये क्या कह रहा है कि इनका सम कितना है 50, तो इसको कैसे लिखेंगे, इनका सम यहां पे लिख देता हूं मैं, ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी इज इक्वल टू 15। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, डी से डी कट गया तो यहां से 3a कितना हो जाएगा 15, तो a मेरे पास कितना आ गया a इक्वल टू 5। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सारी चीज समझ में आई। फिर से रिपीट करता हूं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो थ्री डिजिट की होती है वो होती है 100A प्लस 10B प्लस C, ये क्लास फोर्थ या फिफ्थ में पढ़ी होगी आपने, उसी की एप्लीकेशन है इसमें। अब हमें क्या कह रहा है कि इसके जो डिजिट है वो एपी में है, तो मैंने क्या कहा कि जब भी तीन डिजिट कोई कहे कि तीन डिजिट आर इन एपी, तीन डिजिट नंबर एपी में हो, तो हमेशा क्या मानना है a प्लस डी, ए और ए माइनस डी। अब वो क्या कह रहा है कि इनका जो सम है वो हमें 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां तक सारी चीजें समझ में, नोट डाउन करो, यहां तक फिर बताता हूं, नोट डाउन करो। थोड़ा पानी पी रहा था यार, कलर सूख गया था। यहां तक नोट डाउन किया हमने, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, मिटा देता हूं। तो ए हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ए 5 आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये रेज करके, अब देखो आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देख रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, अल्टीमेट सुंदर क्वेश्चन है ये। अब क्या कह रहा है ये कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, हमारी डिजिट क्या थी ए प्लस डी कोमा ए और ए माइनस डी, मतलब वो क्या कह रहा है रिवर्स कर रहा है, मतलब अब वो क्या कह रहा है कि इसको तो ले आओ इधर और इसको ले आओ इधर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस डी और इधर बचेगा ए और यहां से फिर क्या आ जाएगा ए प्लस डी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब ध्यान रखना ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, ये कई लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले 100 और रिवर्सिंग वाला, तो ए माइनस डी प्लस 10 और यहां पे ए ही रहेगा प्लस ए प्लस डी, ये है हमारा जो डिजिट को हमने रिवर्स किया। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, नोट डाउन करो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से जल्दी से, ये चीज समझ में आई, इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब वो क्या कह रहा है, लेस देन किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ओरिजिनल नंबर यहां लिख देते हैं तो क्या होगा 100। अब देखो ओरिजिनल ये है हमारा, तो ए प्लस डी डी है ये डी, ए प्लस डी प्लस 10A प्लस ए माइनस डी, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 594। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं,
यहां तक समझ में आई अच्छे से? एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा डिजिट थी वो लिख दी, उसका रिवर्स किया और उसमें से ये लेस देन है कितना 594 से। ये चीज कितने लोगों को समझ में नहीं आई? नहीं समझ में आई, फिर से रिकॉल करो, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब इसको सोल्व करना है, देखो ध्यान से। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां से हमारा डी आएगा, मिटा देता हूं, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 100 को आगे अंदर भेज दो 100 को, तो क्या हो जाएगा 100A माइनस 100D और यहां से प्लस 10A और यहां से क्या आएगा प्लस का A प्लस D। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कुछ नहीं किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये माइनस का है, अच्छे से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन परेशान नहीं होना है। अब ये देखो माइनस ऐसी रहा, ये ब्रैकेट में अंदर भेजो तो 100A प्लस 100D, फिर यहां से क्या आएगा प्लस का 10A और यहां से क्या आएगा प्लस का A माइनस D इक्वल टू 594। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छे से समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, 100A प्लस ये और ये तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे, ये 110 111A, और ये देखो 100 में से एक डी गया तो माइनस का 99D। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस ये ब्रैकेट में रहा, अब देखो ध्यान से, ये और ये मिलके कितने हो जाएंगे 111A और यहां से कितना होगा ये 100D और एक डी, तो कितना हो जाएगा माइनस का 99D इजिकल टू 594। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 111A माइनस 99D, अब ये फिर माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस का 111A माइनस का माइनस माइनस प्लस 99D इक्वल टू 594, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इससे ये कट गया तो यहां से कितना आएगा 90 198D इक्वल टू 594। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो तो D कितना आ जाएगा यहां से 594 अपॉन 198, ये पूरा पूरा इससे चला जाएगा 3 टाइम में, तो D कितना आ गया, डी हमारा आ गया 3। अब देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आया? यहां तक मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं इरेज करता हूं, ए हमारा 5 आया था और डी आया था 3, और हमारी वो क्या थी, यहां देखो हमने क्या माना था ए प्लस डी और ए और ए माइनस डी, ठीक है। तो यहां पे कितना था, ये हमारा ए आया था 5 प्लस और डी आया था 3, तो 5 प्लस डी कोमा 5 और यहां पर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, तो हमारे यहां से क्या बचा 8 और यहां से क्या बचा 5 और यहां से क्या बचा 2। देखो ये भी बन गई, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना हमारी डिजिट क्या बन गई 8 5 2। यहां तक समझ में आया? अब इसको रिवर्स करो, रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 5 8, रिवर्स किया तो माइनस करके देख लेते हैं क्या 594 हो रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो ध्यान से, 2 में से ये नहीं गया तो यहां से कैरी किया, तो 12 में से 8 गए 4, यहां पे बचेगा 4 4, तो इधर से कैरी लिया तो 15 में से ये गए 9, इधर 7, देखो आ गया, आया ना भाई। तो हमारी डिजिट क्या हुई 852 और रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाएगी 258। यहां तक समझ में आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, यहां पे लिखा भी है मैंने, ब्रेनस्टॉर्म प्रॉब्लम है, जबरदस्त सवाल, एग्जाम में आ गया तो हिलेगा नहीं पहले बच्चों से, समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग कहां से करें। यही क्वेश्चन तो ऐसा आता है जो आपको टॉपर से और ऑर्डिनरी स्टूडेंट से अलग करते हैं, ये क्वेश्चन जो टॉपर होगा वो कर देगा, आप लोगों को स्ट्राइक ही नहीं होगा कि होगा कहां से। तो अच्छे से नोट डाउन करो, सीरीज को देखते रहो, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए मैंने, आपको जरूर फायदा होगा बेटा, जरूर फायदा होगा। और मेरा चैलेंज है, अगर मेरी आपने सीरीज देख ली तो आपको दूसरी सीरीज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने इतने डिटेल और इतना कंप्रिहेंसिव वे में करवाया कि आपको एक एक स्टेप एक एक पॉइंट समझ में आएगी बेटा। लो अच्छे से नोट डाउन करो, मिटा दो, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अच्छा नोट डाउन करो जल्दी से, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन करो,